दोस्तों अभी हम मोहन नगर में हैं और जैसे कि आपको पता है भारत मोबिलिटी आप देख रहे हैं, हिमांशु कुमार मेरा नाम है और अभी हम आए हैं मोहन नगर में और एक नई कंपनी है, मतलब मेरे लिए नई कंपनी क्योंकि मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ उसका, OBA ई रिक्शा है। पहले इसका नाम DMW था, अब OBA हो गया है। तो ये बहुत साल से ये भैया ई रिक्शा चला रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये रिक्शा भैया सबसे पहले बताइए अपना नाम क्या है। भैया सबसे पहले बताइए अपना नाम क्या है। रंजीत सिंह। रंजीत सिंह नाम है। आप कितने साल से ये रिक्शा चला रहे हैं? चार साल से यही वाला ये रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, तो ये हमें सबसे पहले बताइए कि ये रिक्शा चलाते हुए आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस रिक्शे में तो दिक्कत ये है कि थोड़ी हाइट कम है पहली बात। हाइट किस चीज़ की? मतलब ग्राउंड? अच्छा, नीचे से यहाँ देखिए, ये कह रहे हैं हाइट कम है, जो कि मेरे को मैं भी मान रहा हूँ लग रही है, क्योंकि मतलब गड्ढा आता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ऊंचा नीचा कहीं आता है या कहीं ब्रेकर पड़ता है तो उसमें क्या है कि हमें दिक्कत होता है। ठीक है, बिल्कुल। और कुछ और दिक्कतें ये हैं कि इसकी जो हाई स्पीड है वो लो स्पीड में है। ये मतलब ज़्यादा तेज नहीं चलता है? ज़्यादा तेज नहीं चलती है, 35 इसकी रफ्तार। 35 तो काफ़ी है जी, ज़्यादा तेज। और रिक्शे जो हैं बाबा का रिक्शा है और रिक्शे हैं साथी वगैरह के हैं, उनकी रफ्तार 40 तक जाती है। अच्छा, इसके बैटरी बैकअप थोड़ा कम है। तो बैटरी तो वो अच्छा एफिशिएंसी ज़्यादा लेता है? हम 3 महीने की या 6 महीने की जो बैटरियाँ डलवाते हैं वो बैटरी बैकअप होता है। अच्छा, 3 महीने का। उससे भी थोड़ा सा इसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं ये यहाँ देख रहा हूँ कि आपका पूरे रिक्शे में कहीं ना कहीं वेल्डिंग हो रखा है। ये देखिए, यहाँ पे वेल्डिंग हो रखा है, यहाँ जंग लगा पड़ा है, मतलब एक तरह से मेरे को अच्छी कंडीशन नहीं लग रही है। नहीं लगी। इसकी क्या है कि इसमें सीट जो है ये हल्की सीट देते हैं जिससे कि जल्दी वेट कम है जिससे खराब जल्दी हो जाता है, जल्दी खराब होता है। थोड़ा सा एरिया ये मॉइस्चराइजर का है, जो एरिया है इधर का खारा पानी है, इसकी वजह से जो है थोड़ा जंग। इसको पेंट करवाते रहिए, बिल्कुल बढ़िया से पेंट होता रहेगा तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, तो थोड़ा सा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया 3 साल पहले रिक्शा खरीदा, तो कितने का ही रिक्शा पड़ा आपको? ये 75,000 का पड़ा। 75,000 का? सिर्फ 75,000 का रिक्शा पड़ा? 75,000 और नंबर का अलग से लगा, उसका 20,000 अलग से लगा। 20,000 अलग से लगा, मतलब 85,000 का आपका रिक्शा पड़ा। 85,000 का रिक्शा उस टाइम, जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सस्ता पड़ा, लेकिन उस टाइम 3 साल पहले जो था वो 3 साल पहले 85,000 महंगा था। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल नकारिए मत। तो हम थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गल रहा है और वेल्डिंग करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, और बहुत सारी मेरे को इसमें एक होता ना संतुष्टि खुशी, वो नहीं हो रही। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे आपने लगा हुआ था आपका ये शीशा, आपने हटा दिया है जी। वो शीशा क्यों हटाया आपने? शीशा ही हटा दिया, वो एक बार क्रैक हो गया। क्रैक होने के बाद क्या है कि उसका प्राइस इस टाइम 3,500 रुपया है। अच्छा, तो आपने नया लगाने के बदले पूरा हटा दिया जी। अच्छा, तो एक बार हम पूरा ई रिक्शा का पीछे देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सीट ख़राब हो गई थी, इन्होंने दोबारा नहीं लगवाई है, मतलब अपना जुगाड़ किया है। और ऊपर ये फाइबर का लगा, अच्छा ये ऊपर फाइबर का लगा हुआ है, लोहे का नहीं लगा हुआ, फाइबर का लगा हुआ है, शील्ड करवा रखा है इन्होंने। तो बहुत कतई बुरी हालत हो रखी है इस ई रिक्शा की। तो सर हमें ये बताइए कि आप क्या बोलना चाहेंगे इस ई रिक्शा के मालिक से कि इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए? और मालिक से ये कहना चाहते हैं कि इसकी जो सीट है या जो इसमें मटेरियल लगता है वो अच्छी क्वालिटी का लगे, अच्छी क्वालिटी का लगे, पेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्या है कि इसके ब्लैक कलर को पेंट जो है ये अपने आप उकस जाता है। अच्छा, पेंट भी खराब पेंट कर रखा है? खराब पेंट कर रखा है। ये देखिए, पेंट का बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि जगह जगह इनकी रिक्शा में जगह जगह पेंट उखड़ा पड़ा और जगह जगह खराबी आ रखी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि पेंट करवा दीजिए, पेंट ढंग से करवाइए, क्योंकि बहुत सारे रिक्शे देखे उसमें पेंट इस तरह छूट रहा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का पेंट नहीं है तभी छूट रहा है इस तरह। कच्चे पेंट कर रखे हैं, पाउडर कोटिंग नहीं हुई, ऐसे बस लगा दिया है, बगैर पाउडर कोटिंग के तो जंग आ जाता है। जंग बिल्कुल आ जाता है। तो अभी हम इसका नया रिक्शा है उसका भी रिव्यू करने का कोशिश करते हैं कभी हो, और हम पता लगाते हैं कि नए रिक्शे में इन्होंने इम्प्रूव किया है कि नहीं किया, अभी 3 साल से वही खसाड़ा चला रहे हैं कि नहीं, तो वो चीज़ हम देखते हैं। बाकी यूपी में आता है मोहन नगर, और यहाँ पे आपको अपने पूरा कैश में लिया था जी, कैश। अच्छा, ये बताइए कि अब एक दिन में कितना कमा लेते हैं रिक्शा चलाते हैं? 1,000 से 1,200 रुपये। 1,000-1,200 रुपये चल जाता है? ये तो अच्छी बात है, नॉर्मल चल जाता है। बाकी मतलब एक एवरेज मान तो 800 रुपये, 800 रुपये एवरेज मैक्सिमम 800 रुपये के तक हमेशा चला लेते हैं, तो अच्छी खासी कमाई इनकी हो जाती है।
अच्छा मेंटेन की बताइए कि मेंटेन कैसे करते हैं आप? मेंटेनेंस तो ये कह लीजिए कि इसमें महीने में कोई 1000-1200 रुपये, 1000 रुपये तो मैक्सिमम लगता ही लगता है। मैक्सिमम 1000 रुपये मेंटेन करने का लग ही जाता है। और बैटरी अभी कौन सी लगी है आपकी? बैटरी एक्साइड की। एक्साइड की लगी है। और कितनी बार बैटरी चेंज करा चुके हैं? हमने बैटरी 3 बार चेंज करवा ली। 3 बार चेंज करा चुकी है और मतलब वही 1 से 1.5 साल बैटरी चलती है, उससे ज़्यादा नहीं चलती है? नहीं चलती। अच्छा, तो ये बहुत अजीब बात है। और चार्ज बैटरी बैकअप कम हो जाता है, 2 बार चार्ज करने पड़ते हैं। बैटरी बैकअप को 2 बार चार्ज करने पड़ते हैं। अच्छा, ये एक मेरे को अभी देखा है मैंने, ये देखिए चेसिस जो है, चेसिस गलने लगी अब तो। अब ये रिक्शा बिल्कुल 3 साल के अंदर ख़राब होने वाला है। पेंट क्योंकि इन्होंने अच्छे से नहीं किया है, बिल्कुल लोकल पेंट किया है, जिसके कारण जंग बहुत जल्दी पकड़ ले रहा है। क्योंकि ये जो चीज़ है, क्योंकि इनका इसका ग्राउंड क्लियरेंस लेवल भी अच्छा नहीं है, प्लस इसका पेंट भी अच्छा नहीं है, दोनों की वजह से इसमें पानी लग रहा है और ये ख़राब हो रहा है। देखिए बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो BMW रिक्शा या OBA इन्होंने चेंज कर लिया नाम, तो ये चीज़ का बिल्कुल इम्प्रूव रखिए कि भाई ई रिक्शा भाइयों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ई रिक्शा भाइयों को परेशानी हुई तो वो खरीदेंगे नहीं। गुजारिश करते हैं इनसे कि ये चीज़ वो इम्प्रूव करें अपने आने वाले रिक्शा में, अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी रिक्शे से अच्छे करेंगे, इससे अच्छा ही रिक्शा चलाएंगे और इससे ऊपर बढ़ेंगे, इससे अच्छा काम करेंगे। थैंक यू।